हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके हूँ लैक्मी 925 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। और मैं ये ओरिजिनल प्रोडक्ट का कंपैरिजन करने वाला हूँ इसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट के साथ, ताकि आप कभी भी मार्केट में ये प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो आपको ये पता लगे कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इसका कंपैरिजन। तो गाइस, जो पहला कंपैरिजन हम करते हैं वो है साइज। देखते हैं साइज इसका कैसा है। तो ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है दोस्तों। तो साइज की बात करें तो साइज में तो आपको इतना फर्क नजर नहीं आएगा, बट आप अगर आप यहाँ से अगर ध्यान देते हो तो जैसे लैक्मी जो फॉन्ट यूज किया गया है, फिर या लैक्मी का नाम है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे है वो देखिए, और जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे वो देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फ़र्क दिखने को मिल जाएगा। ये जैसे लैक्मी नाम यहाँ पे है, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे है, और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे जो लैक्मी का नाम है वो देखिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये जो डबल सीसी है, ये फॉन्ट देखिए ओरिजिनल प्रोडक्ट पे, और जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे जो ये डबल सीसी है, ये फॉन्ट देखिए। तो इधर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे दोस्तों जो सी सी जो डबल सी है वो देखिए, और जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है उस पर जो डबल सी है वो देखिए। उसके बाद दोस्तों ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो कलर है, ये आपको थोड़ा पिंक देखने को मिल जाता है, और जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है दोस्तों उसका कलर देखिए, आपको थोड़ा सा रेड देखने को मिलेगा। तो ये भी कंपेरिजन है, आप कभी ये प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो आप ये आसानी से पता कर सकते हो। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट पे आपको जो शेड है, शेड की जो डिटेल है वो भी देखने को मिल जाएगी। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे जो शेड दिए है आप पढ़ भी सकते हो और ये देख भी सकते हो, जो आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक डिफरेंट आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद बात करें प्रोडक्ट के पीछे जो डिटेल दिया गया है, यहाँ पे भी आप पहचान सकते हो प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का लोगो है, और आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट को देखने में नहीं मिलेगा। तो हम अभी ये प्रोडक्ट अंदर से देख लेते हैं, दोनों प्रोडक्ट ओपन करके देखते हैं, और अंदर से भी हम कंपेरिजन करेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में कैसा पहचानना है कि आपको प्रोडक्ट ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। तो ये मैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट अभी निकाल लिया है मैंने, अभी ओरिजिनल प्रोडक्ट मैं अंदर से निकाल लेता हूँ। ये रहा, तो ये बॉक्स में साइड में रख देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये अंदर से दो ट्यूब निकले हैं, ये ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है। तो अगर इन दोनों का कंपेरिजन करें तो आपको थोड़ा सा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, कि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो साइज़ में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट ज़रूर नज़र आएगा। ये देखिए, उसके बाद पीछे से जो प्रोडक्ट का डिटेल है वो भी देख लेती है। तो यहाँ पे भी आपको गाइस ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो लोगो है आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट पर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको और एक चीज़ नोटिस करनी है, वो ये है कि आप ये जैसे मेरे हाथ में ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और आपको अगर कुछ फीडबैक देना है तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो लिखा है कि liver.care@unilever.com, यहाँ पे आपको फीडबैक आप यहाँ पे दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये @unilever.com लिखा गया है। अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट पर देखें तो यहाँ पर देखिए liver.care@umiliver.com लिखा है। तो ये और एक फ़र्क है। उसके बाद हम इसके कैप की बात करें तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो कैप है और जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट का जो कैप है उसका साइज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कैप से भी समझ जाएगा कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको और कुछ डिफरेंट नज़र में आएगा इसमें, वो है जैसे आप देख पा रहे हो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे यहाँ पे MRP मेंशन है
उसके बाद उसका बैच कोड नंबर मेंशन है, जो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट के बॉक्स पे जो बैच कोड नंबर देख पा रहे होगे वही है, B020 यहाँ पे, तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट पे मेंशन है। और उसके पीछे आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी अपने को देखने को मिलेगा ओरिजिनल प्रोडक्ट पे, जो आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे देखने को नहीं मिलेगा। आप फ्रंट पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी प्लेन है, कोई किस तरह का ना MRP मेंशन है ना कोई बैच कोड मेंशन है। और अगर पीछे प्रोडक्ट के पीछे देखें तो यहाँ पे भी आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं देखने को मिलेगी, ना कोई एक्सपायरी डेट अपने आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम कैप खोल के देखें तो यहाँ पे भी एक डिफरेंट आपको जरूर नज़र में आएगा, वो है इसका जो सील है, आपको जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे जो सील मिलेगा इस तरह से। तो ये देखिए, ये पेपर मैंने अभी तो निकाल लिया, तो इस तरह से आपको ये पूरा प्रॉपरली आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको सील करके मिलेगा। बट जब मैंने ये ओपन किया डुप्लीकेट प्रोडक्ट, तो इस पे किसी तरह का सील नहीं था डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे, तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हो कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।